गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकू सा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसएल क्लासेस पे। आज मैं 1857 के आखिरी पार्ट यानी प्लामो का विद्रोह को लेकर आई हूँ। जिस तरह से देखिए, पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? रोहिणी में। दूसरा 30 जुलाई हजारीबाग पे। तीसरा 2 अगस्त डोरंडा में और 5 अगस्त पुरलिया में। 3 सेप्टेम्बर चाईबासा, 26 सेप्टेम्बर पलामू। आज इसी पार्ट को मैं समझाऊंगी, हालांकि आज छोटे छोटे हुए हैं, लेकिन ये जो है 1 2 3 4 5 6 विद्रोह आपको माइंड में रखना होगा। तो पलामू में कहां पे हुआ था? डाल्टेनगंज। देखिए, अभी तक जितना विद्रोह हुआ था सब जगह सिपाही शिविर थे, लेकिन पलामू में सिपाही शिविर नहीं थे। क्या कारण था? कारण ये था कि पलामू की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और दूसरा कारण ये था कि अंतिम चेरो शासक चूड़ामण राय को अंग्रेज ने गद्दी से हटा दिया था। जब वो कर नहीं दे सके थे तो उसके महल, उसके जगह को, उसके जमीन को नीलामी कर दिया गया था और उसके उसको राजा से हटा दिया गया था। ये प्रमुख कारण हो गया था, जिसके कारण चेरो और भोक्ता जो है काफी दुखी हो गए थे, क्योंकि उसके राजा को हटा दिया गया था। उसी समय एक और भी घटना हुई, नीलांबर शाही भोक्ता। देखिए, ये भी भोक्ता है, भोक्ता लोग काफी दुखी थे। यहाँ ये नीलांबर शाही और पीतांबर शाही दो भाई हैं, ये भोक्ता है, और इसके पिता की मौत जो है जेल में रहस्यमय तरीके से हो गई। ठीक है, इसके कारण भी ये लोग काफी दुखी थे। तो जाकर के यही नीलांबर शाही और पीतांबर शाही, जो दोनों में से कोई एक भाई जो डोरंडा का जो विद्रोह हुआ था उस समय उसने वहां का विद्रोह देखा, और दोनों भाई मिलकर के यहाँ पर काफी विद्रोह किए। तो इस ढंग से नेता बन गए नीलांबर और पीतांबर, और भोक्ता 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 में तो खरवार जाति थे, तो भोक्ता जाति भी मिल गए, प्लस चेरू के एक भवानी बख्श राय जो चकला के राजा थे उन्होंने भी विद्रोह किया, और ये दोनों साथ मिलकर के काफी विद्रोह किए। इन लोगों ने कई क्षेत्रों को लूटा। होता क्या था, जब विद्रोह करते थे तो उन क्षेत्रों को लूटते थे, वहां से जो चीज लूटने का है उसे लूट लिए, बाकी चीजों को जला दिए, ध्वस्त कर दिए, सरकारी कागजों को जला दिए, यही करते थे। तो इन्होंने कितने जगह को किया, जैसे पहले शाहपुर किला जो चूड़ामण राय की विधवा पत्नी जहां रहती थी वहां पर लूटा, तो वहां पर क्या लूटा, चार तोपे बहुत सारे बंदूकें तलवार, क्योंकि युद्ध यदि करना है, विद्रोह करना है तो अस्त्र तो चाहिए ही। तो यहाँ से इन्होंने ये सब चीज लूटा। फिर उसके बाद सापुड़ा का थाना लूटा, वहां पर कैदी को छुड़ा लिया तो क्या है, इसको जनसंख्या बढ़ गई, हाँ विद्रोह करने में बसा नहीं होगा, सरकारी कागजों को जला दिया और लूटा। फिर चैनपुर महल गए, वहां पर ये थे रघुवर दयाल जो थे वो अंग्रेज का एक नंबर थे चमचा, उसको भी पूरी तरह से लूटा है। फिर लेसलीगंज के थाना को लूटा और वहां के भी जो कागजात थे उसको जला दिए। ठीक है, यहाँ पर से एक जो दरोगा तो भाग गया, लेकिन यहाँ पर एक सिपाही को उन्होंने मार दिया। फिर रंकागढ़ और बंगाल कोयला नदी, और भी जैसे एक तो नीलांबर पीतांबर था और दूसरे एक थे भानु प्रताप सिंह, ये लोग भी अलग विद्रोह कर रहे थे। फिर ये लोग सब मिलकर के रंकागढ़ लूटे, ये किशन दयाल रघुवर दयाल का भाई था, इसके किशन दयाल के भंडारों को आग लगा दिया। तो ये प्रश्न बनता है कि पलामू में जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो किसके भंडार को आग लगा दिया गया, तो वो थे किशन दयाल। ठीक है, लास्ट बंगाल की कोयला कंपनी जो रजहरा में थी, और वहां पे कोयला कंपनी जो अंग्रेजों के अंदर थी उस कंपनी में जाकर के वहां पे मशीनों को तोड़ दिया, छोटे छोटे मशीनों को बहा दिया, इस ढंग के काफी त्राही त्राही यहाँ पे कर दिए बंगाल कोयला कंपनी ने। इस तरह से 6 जगहों पे जब लूटपाट पूरी तरह होने लगी, अंग्रेजों को पता चला किसको, डाल्टन को, कि नहीं बहुत ज्यादा लूटपाट हो रहा है, तब उन्होंने भेजा ग्राहम को, पहले भेजा ग्राहम को। जब भेजा तो ग्राहम किसके पास गया, ग्राहम गया ये रघुवर दयाल के पास। जैसे ही गया तो विद्रोहियों को पता चल गया कि यहाँ पर ग्राहम आया है, तो वो मान लेते वो किला में गया तो उसके किला के चारों तरफ लगा दिया
सैनिक के रूप में, विद्रोही के रूप में, कि जैसे ही वो ब्राह्मण निकलेगा उसको मार देना, ठीक है। फिर उसके बाद विद्रोह का ये जो नीलांबर पीतांबर जो दोनों भाई थे, एक्चुअली वो लोग चेमो और सनैया के गांव से आए थे, इसलिए इन लोग का विद्रोह केंद्र हो गया चेमो और सनैया। इस जगह से जितनी जगह नीलांबर और पीतांबर में लूटा, और इस ढंग से नीलांबर जो है स्वयं को प्लामू के राजा को घोषित कर दिया। फिर उसके बाद घोषित करने के बाद मेन क्या था, प्लामू का किला पे अधिकार करना, उसने प्लामू के किला पे अधिकार कर लिया, शक्ति और मजबूत, क्योंकि प्लामू का किला एक ऐसा जगह पे थी जहां पे क्या था कि अंग्रेजों को आना मुश्किल था, आराम से जो कि है विद्रोह कर सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सॉरी, भानु प्रताप सिंह ने शाहबाद के विद्रोही, शाहबाद में पहले कौन थे, कुंवर सिंह थे, 10 अगस्त को उनकी शहादत हो गई, तो अब जाके मृत्यु होने के बाद वहां के विद्रोही को भानु प्रताप सिंह, प्लामू के ही भानु प्रताप सिंह ने बोला कि आप लोग यहाँ झारखंड आ जाइए और हम लोग के साथ मिलकर के विद्रोह कीजिए। तो शाहबाद के विद्रोही आ गए, नीलांबर पीतांबर आ गया, भानु प्रताप सिंह आ गया। जब शाहबाद के विद्रोही यहाँ आते हैं तो अपने साथ 1100 सैनिक को साथ में लेके आते हैं, और इस 1100 सैनिक का कौन होता है मेन, राम बहादुर सिंह और सीधा सिंह, ठीक है, राम बहादुर सिंह और सीधा सिंह। तो मैंने पहले ही बोला था कि ग्राम अंग्रेज चैनपुर के महल में कैद हो जाता है। अब ये लोग पूरा मिलके पूरा प्लामू को सब जगह विद्रोह करिए, देखा ही नहीं आप लोगों ने कितने जगह ये लोग ने जाकर के हमला किया और थाना लूटा, सब लूटपाट किया। तो ग्राहम तो जाकर के अब महल में ही छिपा, बोला हम तो नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो मारे जाएंगे। तो ये बात खबर पहुंची डाल्टन को फिर से कि ग्राहम ऐसे कैद है, तब जाकर के डाल्टन ने मेजर कार्टर को भेजा। मेजर कार्टर ने सोचा कि सबसे पहले ये भोक्तार चेरो जो प्लामू के साथ है उसे तोड़ना चाहिए। लोग का तो हमेशा नियम था फूट डालो शासन करो, यही नीति था। तो उन्होंने कुछ भोक्ता को मिला लिया कि हम मेरे साथ लड़ो, जीत जाएंगे तो आप तुमको जागीरदार देंगे, जमीन देंगे, पैसा देंगे, जो जो बातें, कुछ भोक्ता यहाँ से मिल गए। भोक्ता मिलने से नीलांबर पीतांबर का पितरों में थोड़ी सी कमजोरियां आई। फिर उसके बाद लेकिन देखा कि इतना इतना जन है, शाहबाद से विद्रोही भी आ गए हैं, तो ये मेजर कार्टर बोला नहीं, और फौजें भेजो, और बंदूकें भेजो, और तोपे भेजो। तब जाके अंग्रेज मैकडोनाल्ड मद्रासी फौजी के साथ यहाँ आए। तब जाके 1, 2 और 3 तरफ से प्लामू किला को घेर लिया गया। जब प्लामू किला तीनों तरफ से घेर लिया गया तब जाकर के जो है विद्रोह हुआ, लेकिन नीलांबर पीतांबर वहां से भागकर चल गए रोहतास। कहाँ चल गए, रोहतास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलामू के किले से भाग करके नीलांबर पीतांबर कहाँ जाते हैं, रोहतास। रोहतास जाते हैं और उसके बाद इधर उधर ही रह के छिप करके थोड़ा विद्रोह वगैरह करते हैं। तब तक अंग्रेज ने क्या किया, हरिमंड गांव को अपने कब्जे कर लिया, चेमो सनैया को अपने कब्जे कर लिया, शाहपुर का किला को अपने कब्जे कर लिया, बागमारा घाट को जीत लिया, ठीक है। इस ढंग से इतने क्षेत्र को ये लोग जीत के अपने में मिला चुके थे। उसके बाद प्लामू किला पे जब हमला किया था तो प्लामू किला पे भी जीत लिया था। तो अब जो है कोई खबरी यह खबर दे दिया कि यहाँ पर नीलांबर पीतांबर छिपे हुए हैं और वो लोग जाते हैं, तो नीलांबर पीतांबर जो उस समय खाना खा रहे होते हैं और पीछे से जाके धावा बोल दिया जाता है। तब जाकर के मजबूरन नीलांबर और पीतांबर को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। जब ये आत्मसमर्पण करते हैं तब जाकर के इन्हें फांसी दी जाती है। फांसी में देखिए 28 मार्च 1859, इसीलिए इसे 1857 का लास्ट विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि अब इसके बाद इसका परिणाम होगा, क्योंकि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज प्लामू में आम के पेड़ से नीलांबर और पीतांबर दोनों भाई को फांसी दी जाती। यहाँ भी एक रोचक तथ्य है। क्या रोचक तथ्य है, अंग्रेज का एक रूल था कि यदि फांसी देते वक्त यदि किसी को फांसी दे रही है और देते हैं और रस्सी टूट जाती है तो उस व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जाएगा। लेकिन
नीलांबर या पीतांबर दोनों में से किसी एक भाई को जब फांसी दिया जा रहा था तो रस्सी टूट जाती है, लेकिन जबरदस्ती फिर से फांसी दे दिया जाता है नियम के विरुद्ध। तो ये थी इसकी घटना। इस तरह से नीलांबर और पीतांबर भी शहीद हो गए। तो अब देखते हैं इसके मुख्य प्रश्न क्या होंगे। तो मुख्य प्रश्न ये होंगे कि पलामू में विद्रोह कब छिड़ा था? 26 सितंबर 1857 को, ठीक है। और इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन यह एक्चुअली भोक्ता विद्रोह भी के भी नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से नेता कौन थे? नीलांबर और पीतांबर। किस राजा ने मदद किया था? भवानी बक्स राय ने, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र लुटे थे? सापुरा का किला, सापुरा का थाना, चैनपुर महल। चैनपुर महल से कौन सी नदी निकलती है? संख नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेस्लीगंज का थाना, यही लेस्लीगंज के थाना के पास जाकर के इनको फांसी दी जाती है। रंकागढ़ भी लूटा गया, बंगाल का कोयला कंपनी भी लूटा गया। यही बंगाल का कोयला कंपनी राजहरा में 500 लगभग ब्राह्मणों को कैद किया जाता है और बहुत लोगों को यहाँ पे फांसी भी लगाई जाती है। बाद में जब ये विद्रोह, जब अंग्रेज आते विद्रोह दबाने के लिए, तब इस ढंग से फिर उसके बाद क्या नाम था जो साबात के विद्रोही के सैनिक के नेता थे? तो राम बहादुर सीधा सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद और बागमारा का घाट और सापुर के किला को जो कि राज को अधिकार कर लिया थे, ये भी याद रखना जरूरी है। फांसी कब हुई थी? 28 मार्च 1859 को। कहां? लेस्लीगंज। कौन सा जगह? लेस्लीगंज, पलामू। और किस पेड़ से? आम के पेड़ से, ओके। तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे पसंद आ गया है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।